हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसन एज व्लॉग्स। और मैं अभी अभी अपने गांव से निकल रहा हूँ, एज यू कैन सी। और आज का दिन जो है वो एक छोटा सा ट्रिप है इस्लामाबाद का, और उधर का सफ़र शुरू है। हाथ में मेरे बैग है, मैं रेडी हूँ, और आई थिंक आई एम रेडी हूँ। आप बता दीजिएगा कमेंट में मैं रेडी हूँ या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द डे, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। या ये सामने रहा जी सूरज आपका, माशाल्लाह, एक दफ़ा तो बन जाए माशाल्लाह। और खेतों की सूरत हाल कुछ ये है कि यहाँ पे देखें अगर आप, हरियाली हरियाली माशाल्लाह। तो जी सुबह सुबह इस धूप का मज़ा लेना, और आपको लगी हो सर्दी और आप जो है वो छत पे खड़े हो गए, ठंडी हवा के मज़े भी ले रहे हो और उसके साथ साथ धूप के मज़े भी ले रहे हो, तो गांव में ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। हरियाली भी इंजॉय कीजिए, धूप भी इंजॉय कीजिए बिल्कुल सामने। और मेरी आंखों में ये देखिए सूरज आपको नज़र आया होगा, और मुंह से निकलता हुआ धुआँ सर्दियों की पहचान हुआ करता है। और मैं ज़रा आपको एक गाँव का नज़ारा भी दिखा लूँ, बड़े अच्छे से आपने मेरा गाँव नहीं देखा। तो लुक एट दिस, मेरे पीछे आपको मेरा गांव नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह कैसा है। अच्छा है तो लीव अ लाइक। और आज की सुबह का आगाज़ हमारा कुछ यूँ खूबसूरत तरीन हो रहा है, और मेरे बिल्कुल सामने जो नज़ारा है, शायद मेरा कैमरा इस काबिल नहीं है या इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना क्वालिटी वाला नहीं है कि आपको दिखा सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। टाइम लैप्स दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज़रा थोड़े व्यूज़ दिखाता हूँ। ये हैं जी नज़ारे, हल्की हल्की आपको धुंध नज़र आ रही होगी, ऊपर आपको सूरज मियाँ नज़र आ रहे होंगे, और नीचे ज़रा खेतों की हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी। लुक एट दिस व्यू, सुभान अल्लाह। मैं ज़रा और जूम करता हूँ जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, नाउ यू कैन लुक इट बेटर, माशाल्लाह। तो जी हमारी पहली पोजीशन जो है वो लोकेशन मोनूमेंट है, और यहाँ पर हम आए हुए हैं। अभी हमने जो है थोड़ा फ़ोटोशूट करना है, फ़ोटोशूट के बाद फिर आपसे जो है वो बातचीत होगी। मैं थोड़ा नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन लेट्स सी। तो बहुत से स्कूल्स आए हुए हैं, उनके ट्रिप आए हुए हैं, वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इंजॉयमेंट का तरीका ये है कि भाई नज़ारा आता है इस्लामाबाद का, जहाँ से आप पूरे इस्लामाबाद के पहाड़ भी देख सकते हैं, और इस्लामाबाद की जो है वो खूबसूरती पूरे शहर को यहाँ से उसके नज़ारे देख सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता, अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन मेरे पास ड्रोन कैमरा इस वक्त नहीं है, लेंस छोटा है, इसलिए हम सिर्फ अपना मुँह ही दिखा सकते हैं। सो ये है जी पत्तियाँ सी बनी हुई हैं मोनूमेंट की, और यहाँ झंडे हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल नहीं है। और वो सामने इस्लामाबाद की ज़रा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वो सामने देखिए उधर, अभी सेंटर्स भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यही इस्लामाबाद की मेन अट्रैक्शन है, और वो रहा सेंटर्स। तो हम कल के दिन से आज के दिन में आ चुके हैं, और कल मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सका, वो मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो कल का दिन और आज का दिन दोनों मिला के हम एक व्लॉग बना रहे हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं। सो देखते रहिए, बाल काफ़ी ख़राब हुए हैं तो छुपा लेते हैं। अच्छा जी, तो आज का दिन हमारा शुरू हो रहा है कुछ यहाँ से, क्योंकि हमने ख़रीदा है एक अदद सूट, जो कि अभी स्टिचिंग के लिए उस रूम में स्टिचिंग हो रही है। और वो हम कहाँ पहनने वाले हैं और किस लिए मैंने सूट लिया है कहानी बता दूँ, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि इस वक्त मैं हूँ PWD में, अगर आपको नहीं पता तो पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर है ये, और यहाँ से हमने सूट खरीदा। अब ये जगह जहाँ पर हम हैं, और वहाँ पर जो है वो सूट हमारा गया हुआ है, आपको वो जगह दिखानी है
वो जगह अब आपको दिखानी है जहाँ से हमने सूट लिया, तो स्ट्रेचिंग कंप्लीट होती है कुछ देर में, तो वहाँ जाएंगे। और फिर हम ये सूट पहन के कहाँ जा रहे हैं आज? क्या ख़ास बात है? आज का दिन बहुत ख़ास है, क्या खासियत है आज के दिन में ये भी बताई जाएगी सूट पहनने के बाद। लेकिन पहले सूट तैयार हो जाए, फिर सूट पहना जाएगा। जब सूट पहन के हम रेडी हो जाएंगे फिर आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले की सारी कहानी भी आपको बताई जाएगी। सो स्टे ट्यून। चुका है 12:20 और मुझे 1 बजे तक तैयार होके पहुँचना है। जी आज का खास दिन ये था कि जनाब चौधरी साहब उस्मान भाई की शादी थी और जी यहाँ पर आए हैं, यार की शादी है और कुछ और हजरात भी यहाँ पे शिफ्ट आए हुए हैं। सबसे मुलाकात हो गई है, खाना जाना खा लिए, खाना बहुत मज़े का था, दिखाया नहीं मैंने आपको, दिखाना चाहिए था। और गुजर साहब से आखिरी बात रह गई है, सी ऑफ करना और निकलना है। ये ड्रेस आपने देखा है और जिसके पीछे जो कहानी थी आज की व्लॉग में मुकम्मल हो रही है, कुछ ही देर में सुना रहा हूँ, उसके बाद बाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, सिद्दीक जान साहब सर जी बिल्कुल, हसन साहब का चैनल आप देखें और इनको फॉलो भी करें और देखें और अपने सजेशंस भी दें और जो अच्छी वीडियोज़ हों अप्रिशिएट करें, जो आप चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए सजेशंस भी दें और इनका चैनल को फॉलो करें और अच्छे काम को अप्रिशिएट करें और ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो भी आपकी तवक्कात हैं उम्मीदें पूरी होती। तो फाइनली हमारे बिहार की शादी हो चुकी है और यहाँ पर हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आज की जो पूरी कहानी आपने देखी उसका इख्तिताम यहाँ पर होता है सर। बहुत शुक्रिया, दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। दोस्त की शादी हो गई, एक ट्रिप हो गया, मतलब ये हफ़्ता बड़ा मसरूफ़ रहा है मेरा। और अभी आने वाले व्लॉग्स में भी आप शादी वाले व्लॉग्स देखेंगे, इन दिनों बहुत सी शादियाँ हो रही हैं जो मैंने अटेंड करनी है। सो अगले आने वाले सारे व्लॉग्स भी शादियों वाले व्लॉग होंगे और स्पेशली उस्मान गुजर साहब जो मेरे बड़े ही प्यारे बचपन के दोस्त और जिगर उस्मान गुजर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी नई जर्नी जो आप शुरू कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसमें खैर और बरकत अता करे और ढेर सारी खुशियां अता करे। तो जैसे कि सिद्दीक जान साहब ने भी कह दिया कि लड़के के चैनल को सजेस्ट करें, कुछ पसंद आए तो लाइक करें और एक वीडियो पसंद नहीं आती तो अगली वीडियो देख लें, वो शायद पसंद आ जाए, वो नहीं आती तो उससे अगली वाली देख लें। और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।